जम्मू कश्मीर में कई नेता, सरकारी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी सीबीआई की रडार पर आ गए हैं। इन लोगों पर 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन में घोटाला करने का आरोप है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन घोटाला हो सकता है। वही कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए इसे शर्मनाक और राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचाने वाली हरकत बताई है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इसे लेकर सीबीआई डायरेक्टर को कुछ अहम निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने पहली नजर में सरकारी कर्मचारियों की गलती पाई है और उन्होंने निजी लोगों को बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीन के अतिक्रमण की इजाजत दी गई। बता दें कि नवंबर 2001 में राज्य विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया था और मार्च 2002 में इसे लागू कर दिया गया और इसके तहत राज्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए धन जुटाने की परिकल्पना की गई थी और जिसमें राज्य की भूमि को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित करके 25,000 करोड़ रुपए एकत्र करने की योजना थी। वही सीएजी की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 25,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले केवल 76,000 करोड़ रुपए ही निजी स्वामित्व भूमि के हस्तांतरण से प्राप्त हुए। वहीं अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कानून को असंवैधानिक घोषित किया और अधिनियम के तहत किए गए सभी आवंटनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। साथ ही आदेश दिया है कि भूमि घोटाले की जाँच सीबीआई हस्तांतरित किए जाए और जो 8 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।